स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास सेवन की पाठ पुस्तक सामाजिक विज्ञान पर्यावरण और हम विषय का पाठ चार वायुमंडल की अगली कड़ी भाग तीन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भाग एक और भाग दो में वायुमंडल तथा वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग विशेष रूप से मौसम एवं जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौसम क्या है, मौसम किसे कहते हैं। आप देखेंगे, आप प्रतिदिन या प्रत्येक घंटे की वायुमंडलीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। वायुमंडलीय दशाओं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कहने का मतलब है कि दिन भर में वायुमंडल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी हम लोग देखते हैं कि अचानक जो है सो बादल छा जाती है और फिर तुरंत कुछ पलों कुछ क्षणों के बाद आप देखेंगे कि पुनः जो है सो बारिश भी आ जाती है और फिर कुछ देर के बाद तुरंत जो है सो पुनः जो है सो धूप खिल जाता है। ये क्या है? यही है वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन। और इसी वायुमंडलीय दशाओं के में होने वाले परिवर्तन को हम जो है सो मौसम कहते हैं। और इसका विस्तृत अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उस विषय को हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं, जो कि इसकी पढ़ाई उच्च कक्षाओं में आप अलग विषय के रूप में देखेंगे। तो ये हमारा मौसम हुआ। अब आते हैं जलवायु। मौसम और जलवायु ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। जलवायु वर्ष भर या उससे भी अधिक समय के औसत वायुमंडलीय दशाओं को ही जलवायु कहते हैं। अब देखिए, यहां भी है वायुमंडलीय दशाएं और मौसम में भी है वायुमंडलीय दशाएं। अंतर सिर्फ इतना है कि मौसम में एक शॉर्टर पीरियड, एक शॉर्टर ड्यूरेशन का एटमॉस्फेरिक कंडीशन का स्टडी करते हैं, लेकिन जलवायु में हम देखते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एक लंबे समय का वर्ष भर का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, औसत जो है वायुमंडलीय दशा को हम जो है सो अध्ययन करते हैं और उसी को हम लोग जो है सो जलवायु कहते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। अब हम आते हैं कि जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि चार कारक है। पहला तापमान, दूसरा वायुदाब, तीसरा आर्द्रता और चौथा पवन। ये चार फैक्टर्स हैं जो हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। आइए हम सबसे पहले पहला फैक्टर जो है वो तापमान को हम लोग देखते हैं। तो तापमान है क्या भाई? सीधी सी बात है, जानना है आप बहुत आसानी से इसको जानते हैं कि किसी भी स्थान पर एक निश्चित समय के वायु के ताप और शीतलता, वायु के ताप और शीतलता यानी वायुमंडल में जो हमारी वायु है वो कितना गर्म है और
इतना उसमें शीतलता है, नमीपन किसमें है, उसी को हम कुल मिला करके तापमान कहते हैं। और यह जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि तापमान जो है वह हमेशा एक समान नहीं रहता है और सभी जगह एक समान नहीं होता है। यह निर्भर करता है इंसुलेशन, एक वर्ड है इंसुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ताप, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह समान रूप से इंसुलेशन प्राप्त नहीं करती है, समान रूप से सूर्य ताप प्राप्त नहीं करती है, और जिस कारण से वायुमंडल समान रूप से गर्म नहीं होता है, और यही कारण है कि तापमान एक समान नहीं होता है, और एक समान जब नहीं होता है तो जलवायु भी एक समान नहीं होता है। इसलिए तापमान एक मुख्य फैक्टर्स है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से। आइए आते हैं दूसरा जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं वायु दाब, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यानी पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। पृथ्वी के सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, एयर प्रेशर कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से चारों तरफ से वायुमंडल से घिरा हुआ है, और वायु का जो भार है वह पृथ्वी के सतह पर पड़ रहा है, और उसी वायु भार को उसी को जो हम लोग वायु दाब कहते हैं। और यह भी जो है तापमान से प्रभावित होता है, और तापमान से प्रभावित होने के कारण पृथ्वी पर सभी जगहों पर जो है वायु दाब एक समान नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि ये वायु दाब जो है हमारी पृथ्वी में लगभग तापमान के आधार पर देखेंगे तो तीन निम्न वायु दाब। हमने यहाँ कोशिश किया है ये वायु दाब को दिखाने के लिए कि कैसे तापमान जो है सो वायु दाब को प्रभावित करता है तापमान के आधार पर। यहाँ देखेंगे तो तीन निम्न वायु दाब और चार जो है सो उच्च वायु दाब विकसित होती है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ये वायु दाब हमारे पृथ्वी में है और उसको प्रभावित करते हैं, और चूंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है क्लाइमेट्स के लिए, इस पर हमारे जो वायु दाब है इस पर पवन भी निर्भर करता है, पवन की दिशाएं भी निर्भर करती है, हवाएं भी निर्भर करती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इनके ऊपर निर्भर करती है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वायु दाब जो है वो मुख्य रूप से विकसित होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो 0 डिग्री हमारा भूमध्य रेखा है, यहां से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है सो भूमध्य रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर वर्ष भर लगभग समान रूप से सूर्य की किरणें पड़ती हैं और यहाँ पर तापमान हमेशा उच्च रहता है, इसलिए तापमान उच्च रहने के कारण होता क्या है कि यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और निम्न वायु दाब का क्षेत्र यहाँ पर बनाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब, इक्विटोरियल लो प्रेशर एरिया, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में ये जो है सो स्थित है। ठीक इसके उत्तर और दक्षिण जब दोनों तरफ की ओर जाते हैं तो 30 डिग्री और 35 डिग्री दक्षिण और उत्तर और 30 डिग्री और 35 डिग्री दक्षिण के बीच में दो उच्च दाब क्षेत्र का बन रहा है, उपोष्ण उच्च दाब और दक्षिण में भी उपोष्ण उच्च दाब, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसा यहाँ पर इसलिए होता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जब हवाएं गर्म होती है
और ये हवाएं गर्म होकर जब ऊपर की ओर उठती है और जब कुछ अक्षांशों पर जब वो जाती हैं तो वहां जा करके वो ऊपर जब उठती हैं और ऊपर जाने का जब ठंड होती है तो ठंड होने के बाद उसमें होता क्या है, ये हवाएं नीचे की ओर बैठने लगती है और यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण करती है। इसलिए 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच को उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र माना जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक उसके उत्तर और दक्षिण फिर हम जब जाते हैं तो एक क्षेत्र और विकसित होता है 60 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में एक लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी अधो ध्रुवीय निम्न दाब दोनों गोलार्धों में। और ठीक इसके ऊपर जब और आगे की ओर हम लोग जाते हैं तो सीधे ये 70 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो उच्च दाब का क्षेत्र बनता है जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय उच्च दाब, दक्षिण में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरह से चार उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है और तीन जो इसको निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। और ये वायु दाब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर ही जो हवाएं जो चलती हैं, जो कुछ परमानेंट विंड्स जो होती हैं सालों भर, वो जो इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये गतिशील रहती हैं, चलते रहती हैं। इस तरह से हम लोग देखे कि इसके चार फैक्टर्स हुए मौसम और जलवायु का, उसमें से हम लोगों ने अभी दो फैक्टर्स का अध्ययन किया, तापमान और वायु दाब। दो फैक्टर्स आर्द्रता और कोमल को हम लोग इसको अगली कड़ी में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग मौसम एवं जलवायु के बारे में जाना और इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में जाना और कितने हमारे जो ये उच्च दाब और निम्न दाब के क्षेत्र हैं, वायु दाब के क्षेत्र हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और पुनः अगली कड़ी में हम लोग इसके दो फैक्टर्स और जो बचा है वो हमारा आर्द्रता और पवन, और इसके आगे की कड़ी जो होगी उसको हम लोग अगले दिन में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।